आप देख रहे शहरनामा, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। ईडी ने टीटी घोटाले मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन दायर कराया। इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। अवनीश हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अगर केस दर्ज होता है तो ये कितना गंभीर है, और पहले ये मुक्त हो चुके, अभी एक और ताजा अभियोजन। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें ये पुराने केसेस हैं और इन केसेस में ये माना जा रहा था कि अदालत से या फिर जो जांच एजेंसी है उसके माध्यम से ये आरोपी जो है कहीं ना कहीं लाभ पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी ने इसमें शिकंजा कसा है, इनके पास से बड़े पैमाने पर संपत्ति के रिकॉर्ड भी ईडी को मिले हैं और उसके आधार पर जो है ईडी ने ये प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल किया है स्पेशल कोर्ट में। आप बने रहे अवनीश हमारे साथ। दरअसल दर्शकों को यहां पर बता दें कि ईडी ने टीटी घोटाले के मामले में जिस तरीके से पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन दर्ज करा, उससे जुड़ी हम खबर दिखा रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। अक्टूबर 2011 में सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी का आयोजन किया था। इसमें 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। इस परीक्षा के बाद बेहतर रैंक के लिए सैकड़ों कैंडिडेट से लाखों लिए गए। इसका खुलासा कानपुर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद किया। पुलिस ने इनके पास से करीब 33 लाख कैश मिला पुलिस को। पुलिस की पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आए, इसमें तत्कालीन डॉक्टर संजय मोहन का भी नाम शामिल था। इसके बाद कई और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने करीब 5 लाख के साथ संजय मोहन को अरेस्ट किया। पुलिस के अरेस्टिंग के बाद शासन ने इनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया है। तो अवनीश, इस केस की पेचीदगी को समझकर सिर्फ एक पर अभियोजन, और क्या और बड़े नाम है इसमें? नहीं, इसमें इनके साथ जो लोग भी आरोपी हैं उन सबके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस फाइल किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संजय मोहन की जो भूमिका थी वो इस शुरुआत से इस पूरे मामले में काफी संदिग्ध थी। कई बार शिक्षा निदेशक के पद पर उत्तर प्रदेश में नियुक्त रहे और खासतौर पर जो आखिरी कार्यकाल था उनका, रिटायरमेंट से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, यानी ठीक एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी जब कानपुर देहात की पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी बरामदगी की थी, गिरफ्तारियां की थी। और उसके लिंक जब संजय मोहन से जुड़े तो संजय मोहन की गिरफ्तारी भी यूपी पुलिस ने की। बने रहिए हमारे साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने दरअसल लैकफेड घोटाले मामले में आरोपों से भरी हो चुके लैकफेड के पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार कटियार के खिलाफ विशेष कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। अवनीश, पूरी जानकारी क्या है, सुनवाई इस पर कब होगी? देखिए, जिसमें अदालत आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल ईडी ने सुशील कटियार के ऊपर भी शिकंजा कसा है। जब इस मामले की जांच चल रही थी और उस समय ईडी की तरफ से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और कई सारी नामी बेनामी संपत्तियां कानपुर, लखनऊ, दूसरे और महानगरों में भी मिली थी सुशील कटियार की। और हालांकि अभी हाल में ही कोर्ट का फैसला आया था, उनके पक्ष में उनको आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो फाइल किया है। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का लैकफेड घोटाला करीब 200 से 250 करोड़ के बीच का है। घोटाले की रकम में इतना अधिक होने का खुलासा अगस्त 2012 में तब हुआ था जब मामले की जांच कर रही पुलिस कोऑपरेटिव सेल की टीम ने आरोपी पूर्व महाप्रबंधक प्रशासन पंकज त्रिपाठी को रिमांड पर लेकर लैकफेड कार्यालय में छापेमारी की थी। 2 बार हुई छापेमारी में करोड़ों के भुगतान के दस्तावेज गायब पाए गए थे। पूछताछ में सामने आया था कि लैकफेड को कई विभागों से करोड़ों का काम मिला था और लगभग सभी में जमकर धांधली हुई। उत्तर प्रदेश का श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ यानी कि लैकफेड के तहत 132 करोड़ का काम अकेले पंचायती राज विभाग का था। इसके अलावा बीआरजीएफ योजना में करीब 143 करोड़ का काम आवंटित किया गया था। इसके अलावा बेसिक शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग, एनआरएचएम, आंगनबाड़ी विभाग समेत कुछ अन्य विभागों के लिए संस्था को निर्माण करने के लिए रकम मिली थी। लैकफेड के निर्माण एजेंसी बनने के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के कुल 14 जिलों में 25 स्कूलों का निर्माण होना था। हर स्कूल में 58,12,000 की लागत से बनना था। ये इसमें धांधली हुई है। धांधली की शिकायत पर पुलिस कोऑपरेटिव सेल की टीम ने लैकफेड मुख्यालय पर छापा मारा। छापे में जांच एजेंसी को फर्जी तरीके से किए गए भुगतान से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे। वहीं लखनऊ में आयकर कर्मियों द्वारा सीबीआई की टीम पर हमला करने के मामले में हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया। सीबीआई इंस्पेक्टर ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात आयकर कर्मियों पर केस दर्ज कराया। जब सीबीआई की टीम ने आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया था उसके बाद से ही आयकर कर्मियों ने उन पर हमला बोल दिया था।
यहां आपको बता दें कि कल लखनऊ के आयकर दफ्तर में सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी थी और सीधे आयकर अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर में पहुंचकर उन्हें 2 लाख की घूस लेते उन्हें धर दबोचा था। दरअसल आशियाना के रहने वाले जयकेश ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि रेंज 5 के आयकर अधिकारी निरंजन कुमार ने सेटलमेंट के लिए उनसे 2 लाख रूपये की मांग की थी। इसके बाद शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीबीआई की इस कार्रवाई की खबर जैसे ही आयकर विभाग के कर्मचारियों को लगी, उन्होंने सीबीआई टीम पर हमला कर दिया और सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक हुई है। इसमें मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों की इस बैठक में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव, ग्राम पंचायत की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वो नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता इसी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं, युवाओं को पार्टी से जोड़ें। तो वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी में अनुशासन बनाए रखे, पार्टी संगठन को मजबूत बनाए। जिलाध्यक्षों से जनप्रतिनिधियों के बारे में फीडबैक भी लिया गया। मेन मुख्य है पार्टी संगठन मजबूत करना है, नौजवानों को आगे रहना है, नौजवानों को आगे चलना है। अभी ने कहा तैयारी करो, मजबूती से काम करो, पार्टी मजबूत करो। वो हमें डायरेक्शन दी गई, वो हमें मानना है, लेकिन गोपनीय बातें हम बाहर कोई मुख्यमंत्री सर पार्टी को मजबूत करने की बात है, हमेशा कहीं ना कहीं उस पर हम लोग चल रहे हैं। नेताजी ने फटकार भी लगाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फटकार लगाने नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। नेताजी ने बहुत प्यार से बात की है और हमने 2017 का लक्ष्य बात है, सब गोपनीय, कोई बाहर बात करने की नहीं। नेताजी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने संगठन को और गतिशील बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बूथ स्तर पर कमेटियां मजबूत बनाने के लिए, सेक्टर स्तर पर कमेटियां मजबूत बनाने के लिए और जनपद में विकास कार्य जो हो रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी योजनाएं लागू कर रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको हम लोग मजबूती से जनता के बीच में ले जाकर रखें और आने वाले 2017 का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को पुनः बहुमत दिलाएं, यही हमारा सिद्धांत। अच्छे दिनों का सपना देख रही आम जनता के लिए बुरी खबर है। आज से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ गए हैं। जिस प्लेटफॉर्म टिकट के दाम आपको 5 रूपये देने होते थे, अब इसी टिकट के लिए आपको दोगुने दाम यानी कि 10 रूपये देने होंगे। इस इजाफे पर लखनऊ के लोगों की क्या राय है, जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता अमिता पारूल ने। आज से रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट्स के दाम दुगने हो गए हैं और उससे कितना असर लोगों के ऊपर पड़ेगा, ये जानने के लिए हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफर ट्रेन से भले ना करें, लेकिन अपने जो यात्री दूर से आ रहे हैं उनके इंतजार में भी वो खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पर, उनको खड़े होना पड़ता है, तो अब उनको ज्यादा देना पड़ेगा। पहले 5 रूपये देना पड़ते थे प्लेटफॉर्म टिकट के और अब 10 रूपये देने पड़ेंगे। किस तरह से आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा, दाम दुगना हो गया? इससे काफी फर्क पड़ेगा, गरीबों पे तो अधिकतर पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे रोज आते जाते हैं, हम लोग को सीधे दुगने दाम लिए जा रहे हैं, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। अगर 1-2 रूपये ज्यादा होते तो कोई बात नहीं, पर अचानक से इस तरह से डबल करना बहुत ही गलत है। तो आपको लगता है कि जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अक्सर सफर नहीं भी करते हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी के लिए या बैठे हैं, तो उनको ज्यादा? हाँ, उनको काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप 2 बार आओगे तो 2 बार वो चार्जेस लगेंगे, लेकिन एक ही बार में इतना लगना तो काफी गलत है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब ज्यादा पे करना पड़ेगा तो जो लोग हैं अब दिक्कतें उनको होंगी, आप क्या मान? देखिए, दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं फालतू में बिना टिकट लिए भी, तो इससे क्या होगा, अगर प्लेटफॉर्म टिकट 5 रूपये का रहता था तो लोग, कुछ लोग आते थे आराम से 5 रूपये लेके घूम के चले जाते थे या फिर सीधे ट्रेन पे बैठे चले गए। इसे 10 रूपये तो सोचेगा, अगर 20 रूपये का टिकट है तो टिकट क्यों ना ले लिया जाए, तो सरकार को इससे हो सकता है कुछ फायदा हो, इसलिए सरकार ने ऐसा कुछ किया है। तो आपको लगता है लोग दे सकते हैं, इतना फर्क नहीं? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा बहुत कम लोग प्लेटफॉर्म टिकट का यूज करते हैं। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ अमिता पारूल, जी मीडिया लखनऊ। और अब खबर गोंडा से आ रही है कि वजीरगंज के अचलपुर गांव में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के 2 दबंगों पर गैंगरेप का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रेप के बाद बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। अंबिकेश्वर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, पूरा मामला बताएं अंबिकेश्वर। इस महिला को अगवा कर लिया गया था, अगवा करने के बाद इसको काफी देर तक बंधक बनाए रखा गया और महिला का आरोप है कि इसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। उसके बाद इन्होंने इस महिला की जान लेने की कोशिश की,
और गंभीर हालत में इसको वहीं पर छोड़ के भाग गए। परिवार वालों ने इसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हंगामा काटा है। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ लिया है। गुस्साए छात्रों ने बस में आग लगा दी है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी है। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्र पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की दूसरी पाली को रद्द करने और आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पर्याप्त फोर्स है और आयोग में किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लड़कों को समझा दिया गया है, कुछ लड़के आए थे वो चले गए हैं। हाँ, जो एक किसी ने जो है जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा उसको गिरफ्तार करेंगे। यूपी पीसीएस के पेपर लीक मामले में अब सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याचिका में पीसीएस के पेपर को रद्द करने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से डाली गई है। प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वकीलों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया है। वकीलों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हम आपको दिखा रहे 3 राज्यों की तस्वीरें, 3 राज्य में 3 शहरों की तस्वीरें आपके सामने। गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद से खबर आई थी। सबसे पहले रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। गाजियाबाद में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को रोकी गई स्टेशन जाकर। बिजनौर में अलग बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस को रोका, नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बनाया मुरादाबाद में। वकीलों ने जगह जगह रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया है। मांगे पूरी ना होने पर वकीलों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम कल से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन टीचर इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कायम रहने की बात कह रहे हैं। टीचर्स के समर्थन में प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम भी आ गए हैं। नीरज मिश्रा जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। शिक्षकों की मांगों का इन्होंने समर्थन करा है, लेकिन फौरी राहत किस तरीके से दी जाएगी? देखिए, अभी कोई फौरी राहत नहीं मिली है शिक्षकों को। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा ग्रुप जो है, इन्होंने कल से काफी जांचने का काम शुरू किया था। अभी तक बोर्ड एग्जाम की कोई भी कॉपी नहीं जांची गई। इनकी मांग थी कि पारिश्रमिक में जो भारी अंतर है उसे खत्म किया जाए और वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तो इस तरह की तमाम 20 सूत्री मांगे थे, जिनको लेकर शिक्षक उन्होंने कॉपी न जांचने का फैसला किया था। फिलहाल तो शर्मा ग्रुप ने यह फैसला किया है कि छात्रों के हितों को देखते हुए यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनको काफी एग्जाम वगैरह देना है आगे, तो इस बात को छात्रों के हितों को देखते हुए उन्होंने कल से कॉपी जांचने का फैसला किया है। और साथ ही आपको बताएं, विशेष बात यह है कि इनकी मांगों का समर्थन करने सीनियर आईएएस और प्रमुख सचिव डॉक्टर एस के सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा इन शिक्षकों की मांग पूरी तरह से जायज है और वो इसका नैतिक समर्थन करते हैं कि पहले प्रमुख सचिव शिक्षा भी रहे और इन्होंने पूरी तरह से शिक्षकों की जो फैसला किया है उसका स्वागत किया है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में जासूसी का मामला सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। देहरादून के एसएसपी के मुताबिक मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आपको यहां बता दें कि आईएएस अकादमी में एक महिला बीते 7 महीने से फर्जी एसडीएम बनकर रही। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अकादमी के अधिकारियों ने फर्जी आईडी के खुलासे के बाद महिला को जाने दिया और मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि मामले में सामने आने के 8 दिन बाद सुरक्षा अधिकारी की ओर से धोखाधड़ी की तहरीर दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि महिला सितंबर से मार्च तक एकेडमी में रही और इस दौरान राष्ट्रपति समेत कई वीआईपी दौरे पर हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। वहीं महिला को एकेडमी से निकल जाने देने के आरोप में एक गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। एक तहरीर आई थी कि अनधिकृत रूप से एक महिला अधिकारी बता के रह रही थी और बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। विवेचना प्रचलित है और विवेचना में अभी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं आया। जैसे जैसे तथ्य आएंगे विवेचना आगे बढ़ेगी। कानून
अपना काम करेगा। जिनकी चूक है, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है लाजवा स्पोर्ट्स अकेडमी की, वो भी इसमें चूक को देख रहा है और पुलिस भी इस संबंध में कार्रवाई कर रही है, जो भी उचित होगा कानून अपना काम करेगा। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के वाराणसी मठ में आधी रात को एक संदिग्ध की मौजूदगी में हड़कंप मच गया। ये शख्स 30 मार्च की रात को केदार घाटी स्थित शंकराचार्य के आश्रम में दाखिल हुआ और फिर आश्रम के बटकों के साथ बातचीत करने लग गया। इसके बाद ये संदिग्ध शंकराचार्य के कमरे के पास सोता हुआ मिला। पूछताछ के दौरान इस शख्स ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। शिष्यों को शक है कि शख्स शंकराचार्य की रेखी कर रहा था और ऐसे में संदिग्ध युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें केदार घाट स्थित इस आश्रम में इन दिनों महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया था जो कि 30 को समाप्त हुआ है। इस आयोजन के बाद संदिग्ध की मौजूदगी ने शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बेलोपुर पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूछताछ में शख्स ने खुद को बिहार का रहने वाला बताया है। वहीं इस मामले में शंकराचार्य ने मठ की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता दी है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों की समस्या को लेकर परिजन संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। समिति ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस को अभी तक अंग्रेजों के समय से चली आ रही सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है जिसमें पुलिसकर्मियों के वेतन अन्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित आईएमएस कॉलेज में आज छात्रों ने हंगामा किया है। बीबीए फर्स्ट ईयर के छात्रों ने कॉलेज मैनेजमेंट के विरोध में प्रदर्शन किया है। ये परीक्षा में हो रही देरी से भड़के हुए हैं। परीक्षा में देरी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट ईयर के छात्रों ने विरोध किया है क्योंकि परीक्षा फरवरी में होनी थी। मार्च पूरा हो चुका है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और अभी तक परीक्षा हुई नहीं है। आईएमएस कॉलेज चर्चित कॉलेज है सेक्टर 62 का और वहां पर इस तरीके की अनियमितता। आगे बढ़ते हैं। शामली में आबकारी और भवन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर शराब से भरे दो ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने इन ट्रकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हजारों पेटी शराब पकड़ी गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। चंडीगढ़ से तस्करी कर यह शराब अरुणाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सहारनपुर दिल्ली हाईवे से ये ट्रक पकड़े हैं। ये दो गाड़ी में दो ट्रक शराब पकड़ी गई है और इसमें 3 अभियुक्त हैं और ये उन्होंने बताया कि ये शराब चंडीगढ़ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे और हमने उन्होंने की जांच की है तो इनके कागजों के साथ काफी अनियमितता पाई गई है जिसके आधार उन्होंने पकड़ा है। ये पूर्ण रूप से अवैध शराब है। इसमें एक ट्रक में 1000 पेटी है, दूसरे ट्रक में 1200 पेटी है और एक में 1000 पेटी है। बरेली में मुंबई से फिल्म की शूटिंग करने आए कलाकारों की बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर पिटाई कर दी। घुसकर पिटाई का मामला प्रेमनगर के इंदिरा नगर का है। बदमाशों ने फिल्म में लीड रोल कर रहे अर्जुन पासवान के सर के बाल तक काट दिए। कैंची से वो घायल उन्हें कर दिया। सभी कलाकार डरे हैं। बता दें कि आज फिल्म की शूटिंग होनी थी और इसके लिए लोकल कलाकारों की जरूरत थी जिसके लिए ऑडिशन रखा था। इसी दौरान एक लड़की एक्टिंग के लिए आई जो हीरोइन की भूमिका निभाना चाहती थी और इसके लिए लड़की ने अर्जुन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे नाराज लड़की आज 10 से 12 बदमाशों के साथ ऑफिस में पहुंच गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब दूसरे कलाकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। बदमाश अर्जुन को गंजा कर कैंची से घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। और बाद बेमौसम बरसात की, इससे बर्बाद हुई फसल से सरकार की ओर से राहत मिलनी शुरू तो हो गई है। कन्नौज की यह खबर है जहां जिलाधिकारी ने किसानों को मुआवजा राशि आवंटित की है। केंद्र राज्य सरकार ने किसानों के लिए 6,27,00,000 का मुआवजा दिया ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिले। डीसी ने बताया कि यूपी सरकार ने पहली किश्त भेज दी है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ जिसका आंकलन हो रहा है। इस आंकलन के बाद ही सरकार से मुआवजे की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ रूपये का मुआवजा दे दिया जा चुका है।
मोदी सरकार ने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से पूर्व कर्मचारी और बीजेपी नेताओं में जोश है। सभी को यहां विकास की नई रोशनी देखने को मिल रही है। गोरखपुर के विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि मोदी ने इस कारखाने को चलाने की घोषणा करके 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री संत राज यादव इस ऐलान को पूर्वांचल के लिए वरदान करार दे रहे हैं। आपको बता दें 1968 में इंदिरा गांधी ने करीब 1250 एकड़ में फैले इस फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन किया था, लेकिन साल 1990 में एक इंजीनियर की मौत के बाद हुए आंदोलन के बाद इसको बंद कर दिया गया। इससे करीब 2000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, लेकिन अब इसके रिवाइवल के ऐलान के साथ नई उम्मीद जगी है। सरकारी बाबुओं को फिट रखने के लिए अब केंद्र सरकार उन्हें योगा सिखाएगी। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योगा ट्रेनिंग सत्र की शुरुआत हुई है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा केंद्र की मदद से देशभर के 40 गृह कल्याण केंद्र में आज से योगा ट्रेनिंग सत्र होगा। योगा का विशेष सत्र डीओपीटी सचिव संजय कोठारी, आयुष के सचिव नीलांजन सान्याल ने इसका उद्घाटन किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सुबह शाम को योगा का ट्रेनिंग सेशन होगा।